हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हमारा आज का टॉपिक है कोरोना में ये हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोरोना का भी कोई इलाज नहीं निकला। सबसे बड़ी चीज होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। तो अभी कोरोना में आप क्या परहेज कर सकते हो? तो सबसे पहले तो अगर आप घर में रहो तो वो सबसे अच्छी बात है। कोरोना का मतलब है कुछ भी करो ना, तो कुछ भी आपने करना नहीं है। घर में बैठो, आराम करो, रेस्ट करो। लोगों को सालों साल काम करते हो जाते हैं और रेस्ट करने के लिए एक दिन नहीं मिलता। आज की डेट में हमें कोरोना के पीछे रेस्ट करने के लिए 15-20 दिन या महीना मिला है। इसको आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ बिताओ, एक गुड टाइम स्पेंड करो, खुश रहो और तनाव मुक्त रहो। ये मत सोचो कि हम इस वक्त काम नहीं कर पा रहे, इस टाइम को आप कंज्यूम करो। अब सेकंड चीज आती है, अब हम कोरोना से कैसे बचें। अब कर्फ्यू तो हमेशा चलेगा नहीं, कर्फ्यू थोड़े दिन में उठने वाला है। अगर ये 3 मई को उठा, उसके बाद सभी लोग घर से बाहर जाएंगे और खतरा बढ़ जाएगा इन्फेक्शन होने का। अब इस टाइम आप क्या कर सकते हो? इस टाइम जब भी आपने घर से बाहर जाना है तो आपने मास्क का यूज अवश्य करना है। और मास्क का यूज आपने कैसे करना है? सबसे पहले तो जब आप मास्क लगाने की सोचते हो, सबसे पहले आपने अपने हाथों को किसी भी सैनिटाइजर के साथ हाथों को आपने साफ करना है। इसके बाद आपने मास्क को उठाना है, क्योंकि हमारे हाथ में कीटाणु होते हैं, ये दिखते नहीं है। ये कीटाणु अगर आप अपने मास्क तक ले जाओ तो मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं होगा। आपने सबसे पहले सैनिटाइजर हाथ में डालना है, हाथ को फिर आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रब करना है, यहाँ उंगलियों को आपस में करना है। इसके बाद आपने सभी तरफ से इसे साफ करना है। ये साफ 15 से 20 सेकंड तक करना है, जब तक कि आपका हाथ सूख नहीं जाता। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आपने पानी से हाथ धोने हैं। पानी से कम डेटोल के साबुन या कोई और एंटीसेप्टिक सोप के साथ हाथ धोने हैं। कम से कम 50 से 60 सेकंड तक आपने हाथों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये जो उंगलियों हैं इनको आपस में बीच में साफ करना है और अंगूठे को साफ करना है ऐसे। तो आपने ये करना है। उसके बाद जब हाथ आपका अच्छी तरह सूख जाए, उसके बाद आपने अपना मास्क यूज करना है। अब मास्क यूज करने में बहुत लोग पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब कौन सा मास्क यूज करें, क्योंकि मास्क बहुत तरह के मार्केट में आ रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मास्क लेते हुए कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें 5 तरह के मास्क होते हैं। जो पहला मास्क होता है उसको हम कहते हैं पेपर मास्क, दूसरी तरह के मास्क को हम कहते हैं सर्जिकल मास्क, तीसरे को हम कहते हैं काकाशी मास्क, चौथा जो होता है वो होता है रेस्पिरेटर मास्क, और पांचवा जो होता है क्लोथ मास्क। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी मास्क के बारे में बता रहे हैं। जो पहला मास्क होता है उसे हम पेपर मास्क कहते हैं। पेपर मास्क सर्जिकल मास्क की तरह ही दिखता है, मगर ये जो इसका मटेरियल होता है उसका पेपर होता है, जबकि सर्जिकल मास्क का जो मटेरियल होता है ये स्पेशलाइज मटेरियल होता है जो कि वाटरप्रूफ होता है। अगर ब्लड इसकी बाहर की तरफ गिरे तो ये अंदर नहीं जाता। और अगर कोई मान लो कोई बोल रहा है, कोई मान लो म्यूकस आ रहा है किसी की थूक में, तो ये उसको बाहर नहीं आने देता। तो ये बाहर से भी सेफ्टी करता है, अंदर से भी सेफ्टी करता है। मगर सर्जिकल मास्क यूज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे कि इसका नाम है सर्जिकल मास्क, ये सर्जरी के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। ये बना किसके लिए है? ये ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा, 8 घंटे तक लगाने के लिए बना है। अगर आप यही मास्क को लगातार यूज करते रहो तो आपकी वायरस के प्रति सेफ्टी 0 हो जाएगी। तो सर्जिकल मास्क आप मत यूज करो, क्योंकि ये मास्क सर्जन के लिए बना है, सर्जन के लिए ड्यूरिंग सर्जरी 2-4 घंटे सेफ्टी के लिए बना है, पूरे दिन सेफ्टी के लिए नहीं बना।
अगर आपने यूज करना ही है सर्जरी मास्क, आपको कोई और मास्क नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर आप दो टिश्यू पेपर रख लो ताकि वो टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा फिल्टर का काम करे और जो आपके बोलते हुए आपके मुंह से थूक निकल रही है उसको ना निकलने दे, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा मास्क आता है वो आता है काकाशी मास्क। काकाशी मास्क जो होता है इसका सेफ्टी लेवल 1 है out of 10, जबकि सर्जिकल मास्क का 5 है 10 अंकों में। तो काकाशी मास्क में क्या है, सबसे बड़ी गड़बड़ ये है, ये आपका पूरा फेस नहीं कवर कर पाता। ये अगर आप बोल रहे हो, थोड़ा सा भी बोल रहे हो, तो आपका नाक एक्सपोज हो जाएगा। अगर आपका नाक एक्सपोज हो गया तो खतरा आपको आ जाएगा, क्योंकि कोई भी तरह का बैक्टीरिया वायरस वो आपके नाक के थ्रू अंदर जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो फेस पर टी जोन है, ये दो आंखें, ये नाक और ये मुंह, ये एरिया है जिनके थ्रू सभी इन्फेक्शन अंदर जाते हैं। तो काकाशी ये मास्क इसको पूरी तरह कवर नहीं कर पाता। अगर हम बात करें तो पूरी तरह कवर करने की मास्क की, तो इसमें रेस्पिरेटर आते हैं। एक रेस्पिरेटर स्पेशल तरह का आता है जिसे हम कहते हैं चेनोबियल मास्क। ये आपके नाक को, आपके फेस को, आईज को पूरा कवर करता है, है? इस मास्क में मगर आपके लिए ये पूरे दिन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मास्क उन व्यक्तियों के लिए जो बंदे कहीं अपना केमिकल में काम कर रहे हैं या किसी और जगह काम कर रहे हैं, तो आप पैनिक होकर इन मास्क को मत खरीदो, क्योंकि वायरल केसेस को ये मास्क नहीं लेना चाहिए। अभी ये आपको कौन सा मास्क लेना चाहिए, पार्टिकुलेटर मास्क जो होते हैं N95 खासकर मास्क, ये मास्क स्पेशली डिजाइन है वायरसेस को रोकने के लिए। जनरल ओपीडी में डॉक्टर पेशेंट को ज्यादातर एडवाइस किया जाता है कि आप N95 मास्क यूज करो। N95 मास्क दो तरह के होते हैं, ये जनरल कंपनी का N95 मास्क है। इसमें ये जो मटेरियल यूज होता है ये फाइबर थ्रेड यूज होते हैं, ठीक है। ये फाइबर थ्रेड आपके शरीर के अंदर कोई भी तरह का बैक्टीरिया जाने नहीं देते। जब भी आपने मास्क उठाना है, आपने मास्क इधर से उठाना है, मास्क को आपने कभी भी आगे से हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जो ये एरिया है ये एक्सपोज एरिया है, जो अगर आप कहीं से भी जाकर आए हो तो यहाँ पर आपके बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया जो वायरसेस अटैच्ड हैं, तो आपने इस एरिया को कभी भी हाथ नहीं लगाना, ना अंदर से ना आपने बाहर से। बाहर से जब आप मास्क उतारते भी हो तो आपने मास्क को स्ट्रैप से उतारना है। स्ट्रैप आपने कैसे यूज करना है, सबसे पहले जब भी आप मास्क लगाने जाओ, आपने मास्क को अपने फेस के मास्क के सबसे पहले तो थ्रेड आपने आगे की तरफ कर देनी है, ठीक है। थ्रेड आगे की तरफ कर फिर आपने इसे नाक पर लेकर जाना, ठीक है। सबसे पहले आपने पहली थ्रेड लगा लेनी, ठीक है जी। उसके बाद आपने दूसरी थ्रेड को इधर से पकड़ कर लगा देना। ये जो थ्रेड है ये आपस में क्रॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो नीचे वाली थ्रेड है वो आपकी नेक पर होनी चाहिए, जो ऊपर वाली थ्रेड है वो आपकी गर्दन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होने चाहिए, ठीक है। अब जब इसको उतारना भी आपने, तो आपने एक बार इधर से पकड़ना है, फिर पहले ऊपर वाला स्ट्रैप उतारना है, उसके बाद नीचे वाला स्ट्रैप उतारना है। आपने कभी भी ये जो स्ट्रैप है ये आपने आराम से उतारनी है। अगर आप ज्यादा जल्दी से उतारते हो तो ये फट सकता है या कट सकता है। अब जो मास्क है ये दो तरह के होते हैं, एक 3M मास्क है, जो 3M मास्क है जो सिंपल मास्क है, इनमें आपका जो है नोज पीस बहुत जरूरी होता है। जब भी आप मास्क लगाते हो आपने इधर नोज पीस को दबाकर अपनी नाक की शेप के हिसाब से इसे कर लेना, फिर आपने हवा को ब्लो करना है। अगर आपका ब्लो करते हुए कहीं से भी हवा निकल रही है तो इसका मतलब है कि ये मास्क की सेफ्टी जीरो है। तो आपने ये मास्क लगाते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपने जो लास्ट आता है वो क्लोथ मास्क होता है।
आप नॉर्मल रुमाल ले लो, इसको आपने फोल्ड कर लेना। इस फोल्डिंग करने के बाद आपने इस रुमाल को ऐसे लगा लेना, इसको फिर आपने गर्दन के पीछे बांध देना। अगर इधर आपने इसको सीधा कर यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना, और यहां से या तो आप गोगल लेकर इसे दबा लो या आप वैसे दबा लो ताकि ये खुले ना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। ऐसे